हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से पार्ले जी लेके आ गई हूँ। तो आप लोग समझ गए होगी कि मैं कुछ ना कुछ बनाने वाली हूँ। तो चलिए, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी लगती है आप लोग को। तो ये मैंने पार्ले जी ले लिया है 5 पैकेट और इसका मैं बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए कोई एक न्यू रेसिपी। तो चलिए तैयारी करके दिखाती हूँ मैं। ये मैंने सारी बिस्किटें तोड़ के ले लिए हैं, तोड़ के नहीं, मैंने खोल के ले लिए हैं। और एक बिस्किट एक्स्ट्रा थी तो उसको मैंने निकाल दिया। अब इसको मैं एक मिक्सी जार में सारे तोड़ तोड़ के डाल लूँगी। तो ये मेरा मिक्सी जार है, इसमें सारे मैं तोड़ तोड़ के डाल लेती हूँ और इसको ग्राइंड करूँगी। तो ये सारी चीज़ें देखिए मैं तोड़ के डाल रही हूँ इसमें। ऐसे तो आप लोग भी ट्राई करना बनाने की जो मैं बना रही हूँ, और बच्चे इससे बहुत खुश हो जाते हैं बनाने पे। तो ये मेरा उसको पीसने के लिए रख दिया। और ये मैंने 2 हैप्पी हैप्पी बिस्किट लिया है, अभी मैंने उसको ग्राइंड नहीं किया है, उसी में इसको भी मिक्स करूँगी ताकि इसमें कलर आए। कलर के लिए मैं 2 हैप्पी हैप्पी डाल रही हूँ। तो इसको भी मैं देखिए खोल के ले ली हूँ और इसमें चॉकलेट के फ्लेवर हैं, देखिए हल्का हल्का, इसके वजह से और कलर आ जाता है। तो इसके लिए मैं यही डाल रही हूँ इसमें कलर के लिए बिस्किट ही। तो ये मेरा तोड़ तोड़ के डाल ले रही हूँ। और डालने के बाद इसको मैं सारे बिस्किट को ग्राइंड कर लूँगी अच्छी तरह से, इसका पाउडर बना लूँगी। पाउडर बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, ये मैंने दोनों बिस्किट को पीस लिया है एक ही में, और ये पाउडर बना लिए एकदम से, इसमें एक भी बिस्किट नहीं है, और ऐसे ही पीस लेना है। और इसमें मैं पीसी हुई शक्कर डालूँगी। ये मैंने एक छोटा कप है उससे एक कप ले लिया है, भर के अच्छे से पीसी हुई शक्कर लिया है मैंने, खड़ी शक्कर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा एक चीज़ और ऐड करूँगी, थोड़ा सा इसमें मैं घी ऐड करूँगी। तो इन तीनों चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी, और ये चम्मच से तो नहीं मिक्स होगा, तो इसके लिए मुझे हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे हाथ से पूरा इसको मसल लूँगी और इसको गूंद लूँगी। देखिए, मैंने दूध से इसे हल्का सा दूध डाला है, ज़्यादा नहीं, बस 2 चम्मच या 3 चम्मच ही डालोगे तो ये उतने में ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने घी डाला था, इसके लिए ज़्यादा दूध नहीं लगा। और इसको गूंद लिया है, और ये पीसी हुई शक्कर जो थी ना, इसमें थोड़े थोड़े वो थे, ये है। इसको आप 2 मिनट रख के फिर से इसको गूंदोगे ना तो ये एकदम से मेल्ट हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया है कड़की, इसको सना है। और ये मैंने लिया है इसमें नारियल का बुरादा, और इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करने वाली हूँ दूध पाउडर। ये दोनों क्या है कि आप डेकोरेट करने के लिए ले सकते हो, नहीं तो नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, रहेगा तो भी, नहीं रहेगा तो भी। ये तो मैं अपने बच्चों के लिए, उनकी फरमाइश थी कि 2 फ्लेवर का करने के लिए, तो मैं बस इतना ही दूध डालना, और दूध डालने के बाद इसको मिक्स कर लेना। तो इसको गूंदोगे इतने में ही ना, तो अच्छे से देखो गूंदा गया, क्योंकि नारियल में तेल छोड़ता है बहुत ना, तो ये इसके लिए देखिए तेल तेल हो गया है बहुत। और ऐसे कड़क ही इसको गूंदना है, और ये गूंद के मेरा हो गया, इसको साइड में रख दूंगी। अब मैं इसको एक पॉलीथीन में देखिए बना के रख ली हूँ लोई, और इसको बेलन से अच्छी तरह से बेल लूँगी घुमा घुमा के। हम पॉलीथीन उठा के घुमा घुमा के बेल लेंगे। तो ये मेरा बेल के हो गया है। अब देखिए,
अच्छे से बिल गया है। साइड का तो वैसे भी कट करके निकलना है। ये मेरे बच्चों का खिलौना है जो ग्ले में मिलता है, तो वही खिलौना है, तो मैंने सोचा किससे कट करूं, तो इसी से ही मैंने कट करने का सोच लिया। तो ये देखिए बहुत अच्छे से कटिंग हो रहा है, देखिए कितना अच्छे अच्छे शेप आ रहे हैं। तो मेरे पास दो है, दो चीज़ से मैं इसमें कटिंग करने वाली हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से शेप कट रहा है और निकल भी जा रहा है, तो ऐसे ही मैं कर लूँगी। आप चाहो तो ऐसे भी खा सकते हो, और चाहो तो इसको फ्रिज में भी आप स्टोर करके रख सकते हो, और फ्रिज में रखने से और भी अच्छा हो जाएगा। तो ये देखिए मेरा ये कार का है शेप, तो मैं इसका भी कटिंग कर ले रही हूँ। ये मेरी बेटी को बहुत पसंद है, मम्मी बना कुकीज़ बना, चॉकलेट बना, ये बना वो बना, रोज़ उसकी फरमाइश रहती है। तो ये उसके ही खिलौने हैं, उसने बोला इससे ही बना मम्मी, तो इसके लिए मैं इससे ही बना रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से कटिंग होके निकल रहा है ना। तो अब मैं इसमें का साइड साइड का सारा निकाल लूँगी और उसको हटा के देखिए बिल्कुल भी नहीं बिगड़ता है ना कुछ होता है। ये देखिए, और इसको आप फ्रिज में रखोगे ना तो और भी कड़क चॉकलेट के जैसे मस्त बन जा रहा है। तो देखिए इतना मैंने प्लेट में बना के रखा, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आप इसके ऊपर डेकोरेट भी कर सकते हो किसी भी चीज़ से, क्रीम बिस्किट लाओ उससे भी, या मैंने ये वाइट वाला बनाया था तो इसमें इसको ही गोल गोल करके चिपका दिया। ये मेरी बेटी को पसंद था, इसके लिए मैं उसकी ही फरमाइश का ऐसे चिपकाई हूँ, नहीं तो इसको वाइट का भी शेप दे करके ऐसे ही कट करके आप बना सकते हो। एक लेयर का, दो लेयर का, तीन लेयर का भी बना सकते हो, उससे और भी अच्छा। और आप अगर इससे जल्दबाजी करना चाहते हो तो ऐसे ही बेल के रख लेना और चाकू से देखिए ऐसे शेप दे देना, और ये जल्दी से आपका बन के रेडी हो जाएगा। मैंने इसमें आपको दो तरीके का आइडिया दिया है, आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, आप चाहो तो वैसे भी बना सकते हो, या ग्लास कटोरी से भी कटिंग कर सकते हो छोटे छोटे, या ढक्कन हो कोई, ये हर चीज़ से बन के रेडी हो। देखिए ऐसे ही आप चाहो तो वाइट का भी बना के ऐसे ही चिपका सकते हो, और ये ब्राउन का भी, तो मैंने कुछ भी नहीं इसमें लगाया, बस एक ही ब्राउन का ही लगाया है। और ये बना करके मैं फ्रिज में रखने वाली हूँ। तो अभी देखिए ये मेरा बन के रेडी हो गया है, ये मेरा देखिए बच्चों का खिलौना जो मैंने लिया था वो, और ये वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा बनाया है पर इतना ही दिखा रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से बना है। तो कुकीज़ आप वाइट कलर का भी बना सकते हो, तो प्लीज़ आप लोग बनाते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल।